कल हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे और समतल दर्पण की सहायता से हमने किसको पढ़ा था, परावर्तन को पढ़ा था। और परावर्तन के क्या पढ़े थे हमने, नियम पढ़े थे। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखते हैं। ठीक है, और वो क्या है कि जब हमारे पास परावर्तन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या कि परावर्तन की घटना में, ठीक है, परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, चाल अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास प्रकाश के परावर्तन की क्या हो रही है, घटना हो रही है, तो हम प्रकाश की क्या देखते हैं, एक तो आवृत्ति पर विचार करते हैं, एक तरंग दैर्ध्य पर विचार करते हैं, एक हम चाल पर विचार करते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की ना तो आवृत्ति चेंज होती है, ना ही तरंग दैर्ध्य चेंज होती है, और ना ही क्या चेंज होती है, चाल चेंज होती है। जैसे हम बात करें कि ये कल हमारे पास क्या था, समतल दर्पण था। मान लो यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, और इसकी जो हम चाल जानते हैं वो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब जब इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो ये जो परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात जो ये प्रकाश आता है, इसकी चाल कितनी ही रहती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। यानी कि क्या चेंज नहीं हुई हमारे पास, परावर्तन की घटना में चाल चेंज नहीं हुई, तरंग दैर्ध्य चेंज नहीं हुई, और साथ में हम यूँ भी कह सकते हैं इस प्रकाश की क्या भी चेंज नहीं होती है, आवृत्ति भी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, प्रकाश की तीव्रता की बात करें, तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है हमारे पास, बदल जाती है। तीव्रता को हम कैसे समझा सकते हैं कि एक हमारे पास क्या है, बड़ा बल्ब है, और एक क्या है, छोटा बल्ब है। बड़ा बल्ब जो है वो ज़्यादा प्रकाश देता है, तो उसकी तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। छोटा बल्ब जो है वो कम प्रकाश देता है, उसकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, उसके बाद जैसे ही पृष्ठ पर पड़ता है तो जो प्रकाश जाता है उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कौन सी घटना में हम देखते हैं, परावर्तन की घटना में देखते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है किसकी, परावर्तन की। इसके बाद हमने कल समतल दर्पण पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, समतल दर्पण की विशेषताएं और देख लेते हैं। समतल दर्पण की क्या विशेषता,
कि समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, समतल दर्पण की विशेषता में सबसे पहले हम एक विशेषता की बात करते हैं, क्या कि प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण का पहला गुण क्या है कि जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है। मैंने बताया था कांच के एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये कौन सा दर्पण बन जाता है, समतल दर्पण। ये कैसा पृष्ठ होता है हमारे पास, चिकना वाला होता है। और ये क्या होती है हमारे पास, पॉलिश होती है। ठीक है, और परावर्तन कहाँ से होता है, इस चिकने वाले पृष्ठ से होता है। अब देखो इसमें हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं और वस्तु की बात कर रहे हैं। ये जो समतल दर्पण होता है ये वही दर्पण है जिसका उपयोग हम घरों में चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है ये, और ये व्यक्ति किसके सामने खड़ा है, दर्पण के सामने खड़ा है। अगर वहाँ क्या होगा, प्रकाश होगा, जैसे मान लो ये सूर्य है, सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। और एक व्यक्ति किसके सामने खड़ा है, दर्पण के सामने खड़ा है। तो ये व्यक्ति जो होता है ये क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। ठीक है, और इस वस्तु में से क्या निकल के जाता है, प्रकाश निकल के जाता है। और ये प्रकाश किस पर टकराता है, दर्पण पर टकराता है। और हमें क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, जो हमें दर्पण में दिखाई देता है। जैसे हम अपना चेहरा देख रहे हैं तो हम तो क्या हो गए, वस्तु हो गए, हम तो क्या हो गए, वस्तु हो गए। और जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी हमें कैसा दिखाई देता है, इस तरीके का ही दिखाई देता है। तो कहने का मतलब होता है कि ये जो दर्पण में दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, ठीक है, ये वस्तु के क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वस्तु के बराबर ही होता है। सेकेंड जो हम इसमें बात करते हैं वो क्या विशेषता है कि इसमें पार्श्व परावर्तन होता है। समतल दर्पण द्वारा क्या होता है, पार्श्व परावर्तन होता है। इसका क्या मतलब होता है, पार्श्व परावर्तन का अर्थात दाएं का बायां व बाएं का दायां दिखाई देता है, दाएं का बायां व बाएं का दायां दिखाई देता है। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं, चेहरा देखने के लिए। मान लो हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, जो घरों में हम काम में लेते हैं, तो हम तो क्या हो गए, वस्तु हो गए। जो उसमें दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। इसमें क्या होता है, पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व का मतलब होता है जैसे हमारा दायां हाथ है वो कैसा दिखाई देता है, बायां दिखाई देता है, और जो बायां हाथ है वो कैसा दिखाई देगा, दायां दिखाई देगा।
ठीक है, यानी कि जो दाया है वो तो बाया दिखाई देता है, और जो बाया है वो कैसा दिखाई देता है, दाया दिखाई देता है किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिखाई देता है, समतल दर्पण के द्वारा दिखाई देता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो क्या है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, दर्पण में। प्रतिबिंब आभासी व सीधा दिखाई देता है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा दिखाई देता है। इसका क्या मतलब होता है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा दिखाई देता है इसका क्या मतलब होता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो हमें दर्पण में दिखाई देता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। हम क्या करते हैं, केवल उसका आभास करते हैं। ठीक है, केवल हम उसका क्या करते हैं, आभास करते हैं। सीधा का मतलब होता है हमारे पास कि जैसे अगर हम सीधे खड़े हैं दर्पण के सामने तो वस्तु भी कैसी दिखाई देती है, हमें सीधी ही दिखाई देती है। अगर हम चेहरा देख रहे हैं अपना तो चेहरा कैसा दिखाई देता है, उसमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, चौथी जो विशेषता है वो क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है। वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है कि ये क्या होता है, दर्पण समतल होता है, इसमें कोई भी वक्र नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वक्र नहीं है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो ये क्या है, समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो हमने सारा किस में पढ़ा था, समतल दर्पण में, है ना। अब हम पढ़ते हैं क्या, गोलीय दर्पण, और फिर हम गोलीय दर्पण से क्या पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे। देखो, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, गोलीय दर्पण हम कैसे बनाते हैं, तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, ये सुनते हैं हम कि किसी कांच के खोखले गोले में से, किसी कांच के किस में से, खोखले गोले में से, किसी कांच के खोखले गोले में से कुछ भाग काट कर, कुछ भाग काट कर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाली युक्ति क्या होती है, गोलीय दर्पण होती है। ठीक है, हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे पहले ही, अब हम कौन सा दर्पण बना रहे हैं, गोलीय दर्पण। किसी कांच के खोखले गोले में, देखो खोखला गोला क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या होती है, फुटबॉल होती है,
तो फुटबॉल में अंदर स्पेस होता है, यानी कि वो कैसी होती है, खोखली होती है। ये जो फुटबॉल बनी होगी, ये जो खोखला गोला बना होगा, वो किसका बना होगा? कांच का बना होगा। किसका बना होगा? कांच का बना होगा। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, कांच का क्या है, खोखला गोला है। क्या है? कांच का खोखला गोला। किसकी तरह है ये? फुटबॉल की तरह। में से कुछ भाग काट कर, देखो इसमें से हमने क्या किया, मान लो ये कुछ भाग हमने क्या कर लिया, काट लिया। ये कुछ भाग हमने क्या कर लिया, इसमें से काट लिया, ये इतना भाग हमने क्या कर लिया, काट लिया। और काट कर हमने यहाँ अलग रख दिया, ठीक है। काट कर हमने क्या कर लिया, अलग रख दिया किसी कांच के खोखले गोले में। ये कांच का क्या है, खोखला गोला है। इसमें से हमने क्या करा, कुछ भाग काट दिया, ये कटा हुआ भाग आ गया। उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। अब देखो इसमें कितने पृष्ठ है, एक तो है हमारे पास ये अंदर वाला पृष्ठ, इसे बोलते हैं दबा हुआ पृष्ठ, है ना। और एक पृष्ठ कहाँ पर है, ये बाहर की तरफ। ये क्या है हमारे पास, उभरा हुआ पृष्ठ। तो हमें पता लग रहा है कि जब हम कांच के गोले से कुछ भाग काट लेते हैं तो उसमें कितने पृष्ठ बनते हैं, दो पृष्ठ बनते हैं। अब पॉलिश किधर की जाए, तो उसमें दो कंडीशन आती है कि या तो हम अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दें, या फिर हम क्या कर दें, बाहर वाले भाग पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें। तो हम इसको अब ना तो समझ में आ रहा अंदर करें या बाहर करें, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये है क्या, कांच ही तो है, ये क्या है, कांच ही है। हम क्या करते हैं, इसके बाहर वाले पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जैसे कल हमने समतल दर्पण में करी थी। लेकिन आज ये कैसा बन रहा है हमारे पास, गोलीय बन रहा है, ठीक है। कौन से पृष्ठ पर हमने पॉलिश करी है, बाहर वाले पृष्ठ, यानी उभरा हुआ पृष्ठ जो है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, दबे हुए पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। कौन से पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं, दबे हुए पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। समझना ध्यान से कि कांच का जो है खोखला गोला है, उससे कुछ भाग हम काट कर लिया है। काटने के बाद हमें एक भाग पर क्या करनी है, एक पृष्ठ पर क्या करनी है, पॉलिश करनी है। इसमें दो पृष्ठ आ रहे हैं भाई, अंदर वाले पर करें या बाहर वाले पर करें, है ना, दर्पण बनाने के लिए। तो एक बार हमने बाहर वाले पर कर दिया और एक बार कहाँ कर दिया, अंदर वाले पर कर दिया। अंदर वाला क्या होता है, दबा हुआ, और बाहर वाला हम किसे बोलते हैं, उभरा हुआ पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बाहर वाले यानी उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, तो ये जो दर्पण बनता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है हमारे पास, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं, जब उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। अब प्रकाश का परावर्तन किससे होगा, दबे हुए पृष्ठ पर, यानी प्रकाश यहाँ से आएगा और ऐसे टकरा कर चला जाएगा। परावर्तन की घटना तो वही सेम होगी इसमें, बस ये कैसा बन गया हमारे पास दर्पण, गोलीय बन गया, है ना। सेकेंड स्थिति क्या है कि जब हमारे पास दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है, तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है हमारे पास, उत्तल दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण। तो दर्पण जो होते हैं गोलीय दर्पण, वो कितने प्रकार के बना दिए हमने, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके कौन से पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है।
जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। वो कौन सा दर्पण कहलाता है हमारे पास, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इन दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंब बनना देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, किस किस के द्वारा, एक तो अवतल दर्पण के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। देखो ना, तो हमने क्या पढ़ लिया, अवतल दर्पण और दूसरा क्या, उत्तल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण क्या होती है हमारे पास, जिसमें उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश। और उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसमें दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं दर्पण से संबंधित क्या परिभाषाएं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखो, दर्पण दो होते हैं। ये जैसे कांच का क्या था हमारे पास, खोखला गोला, और इससे हमने क्या काटा था, एक भाग काटा था। ठीक है, कांच के खोखले गोले से हमने क्या काटा था, एक भाग काटा था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, एक तो अवतल दर्पण की। ठीक है, और एक उत्तल दर्पण की। अब ये कटा हुआ भाग हम यहां पर ले आए, ये ले आए। ठीक है, और इसके हम कौन से पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दें। ये हमने किस पर पॉलिश कर दी, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा दर्पण बन गया हमारे पास, अवतल दर्पण बन गया, है ना। और एक हमने यही कटा हुआ भाग लिया हमने, और इसके दबे हुए पृष्ठ पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया, बन गया। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा इसमें पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, ध्रुव पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, ध्रुव पढ़ते हैं। ध्रुव क्या होता है कि ये जो दर्पण होता है हमारे पास, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास दर्पण है, इसका ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे हम O या P से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भी अगर हमें ध्रुव देखना है, तो ये जो दर्पण है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है हमारे पास, ध्रुव कहलाता है। तो पहली परिभाषा क्या है कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर क्या हो, उत्तल दर्पण हो। ठीक है, सेकंड जो हम इसमें बात करते हैं वो किसकी करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं, कि वक्रता केंद्र क्या होता है दर्पणों में। तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है।
दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये जो है हम किसमें से काट के लाए हैं, गोले में से। ये पहले क्या था हमारे पास? गोला था। पहले क्या था हमारे पास? गोला था। तो इसका कोई ना कोई क्या होगा हमारे पास? केंद्र होगा। ये बीच में हमने क्या मान लिया? केंद्र। इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। केवल हमें बिंदु लेना है। अब बाकी ये गोला नहीं रहा तो हम इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो कहने का मतलब है कि वक्रता केंद्र क्या होगा? दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में भी ऐसे गोला बनाकर देख लो। इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। इसे हमने किससे व्यक्त कर दिया? सी से। ये क्या कहलाता है हमारे पास? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब क्योंकि ये गोला नहीं है तो हम इस भाग को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्लियर है कि दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरी जो हम परिभाषा की बात करते हैं वो हम किसकी बात करते हैं? मुख्य अक्ष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुख्य अक्ष की बात करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो वक्रता केंद्र होता है और ये जो ध्रुव होता है हमारे पास, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है? ये देखो, ये क्या है? वक्रता केंद्र है और ये क्या है हमारे पास? ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये तो क्या है हमारे पास? वक्रता केंद्र और ये क्या है? ध्रुव। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये इस तरीके से हम किसको परिभाषित करते हैं? मुख्य अक्ष को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। इसके बाद हम अगला नंबर देखते हैं। मुख्य अक्ष के बाद हम किसकी बात करते हैं? वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा होती है? कि ये तो क्या है हमारे पास? वक्रता केंद्र है और ये क्या है हमारे पास? ध्रुव है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे पास ध्रुव, ये हमारे पास वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हम अगली परिभाषा पढ़ते हैं। किसकी? फोकस बिंदु की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं हम? फोकस बिंदु क्या होता है? इसे हम व्यक्त करते हैं किससे? एफ से। किससे व्यक्त करते हैं हम? एफ से व्यक्त करते हैं। देखो, फोकस बिंदु को हम कैसे समझा सकते हैं? सबसे पहले हम किस में देखेंगे? अवतल दर्पण में देखेंगे। और फिर हम फोकस बिंदु को किस में देखेंगे? उत्तल दर्पण में देखेंगे। ठीक है, तो फोकस बिंदु को समझाने के लिए मान लो यहाँ हमारे पास क्या है? प्रकाश स्रोत है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? प्रकाश स्रोत है। और हमने पढ़ा है प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसके रूप में आएगा? किरणों के रूप में आएगा। मान लो एक प्रकाश की क्या आ रही है? किरण आ रही है। ये क्या आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की क्या आ रही है? किरण आ रही है। और ये क्या है हमारे पास? ये रेखा जो है नीचे वाली, ये कौन सी रेखा है हमारे पास? मुख्य अक्ष है।
तो ये जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है। मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। फोकस को परिभाषित करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर यदि कोई किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आती है और वो किस पर पड़ रही है? दर्पण पर पड़ रही है। दर्पण का काम वही होता है क्या कर देना? परावर्तन कर देना। तो ये दर्पण क्या करेगा? परावर्तित कर देगा इस किरण को। परावर्तित कर दिया इसने, ये किरण ऐसे चली गई। अब ये गोलीय दर्पणों में है ना, ये कौन सी किरण होती है? वही हमारे पास आपतित। और ये कौन सी होती है? हमारे पास परावर्तित किरण होती है वही। अब ये किसमें देखेंगे हम? वही परावर्तन के नियम लागू होंगे हमारे पास किसमें? गोलीय दर्पणों में। किसमें लागू होंगे? गोलीय दर्पणों में लागू होंगे। तो ये तो हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या हो रही है, गुजर रही है, यहां से गुजर रही है ना, परावर्तित किरण इस बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु को हम कौन सा बिंदु बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। क्लियर है फोकस बिंदु की परिभाषा? इसको ऐसे लिख लेना ना, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या होती है, गुजरती है, ठीक है, उस बिंदु को हम कौन सा बिंदु बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में देखते हैं। मान लो यहां से कोई क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश की क्या आ रही है? किरण आ रही है। अब देखो, प्रकाश आगे तो जाएगा नहीं, प्रकाश तो आगे तो जाएगा नहीं, ये यहां से टकराएगा और ये परावर्तित होकर, देखो वायु कांच पर पड़ा और वापस वायु में चला गया, यानी परावर्तन हो गया। अब इसमें फोकस बिंदु कैसे देखेंगे? तो देखो, इस परावर्तित किरण को देखना है, इसको हम कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये एक बिंदु पर मिल रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। तो इसमें क्या परिभाषा बनती है? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तित किरण है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कौन सा बिंदु बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट हम इसमें क्या बात करते हैं? फोकस दूरी की बात करते हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या होती है? ये देखो, ये हमारे पास क्या है? फोकस बिंदु। और ये क्या है? ध्रुव है। ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है, फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल दर्पण में भी देखो, फोकस बिंदु और ध्रुव, इन दोनों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या हो गया? फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं।